आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को ऋषि किंग का नमस्कार और आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ऋषि जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और म्यूजिक की फील्ड से आपका वास्ता है और तकरीबन कब से सिलसिला शुरू हुआ और अब कहाँ तक पहुँच चुका है? बेसिकली मैं सर एज अ फिल्म मेकर मैंने काम स्टार्ट किया था और मेरे अंदर कोई प्रतिभा छुपी हुई थी जो मैं शायद 2016 तक मैंने पहचाना नहीं, लेकिन 2016 में पहली बार मुझे फील आया कि मैं गाने लिख सकता हूं और मैं कंपोज कर सकता हूं। तो जब मैंने एक सॉन्ग उस टाइम पे लिखा और मैंने उस दौरान इंदौर कलेक्टर रहे पी नरहरी जी, उनको मैंने इस गाने के बारे में बताया तो वो गाना इतना पसंद आया उनको और एक नया सॉन्ग रेडी हुआ स्कूल चले हम करके जो शान ने गाया था मेरे लिए पहली बार। तो 2016 मैं कह सकता हूँ मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था एक म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए। तो उस गाने के इससे पहले कि हम आगे बात करें उस गाने की छोटी झलक सुना दीजिए। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। सो ये मेरा पहला गाना था जो मैंने कंपोज किया था और उसके बाद जो सिलसिला चालू हुआ तो मुझे लगता है अब तक मैंने 100 से ज़्यादा गाने बनाए हैं एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर और एज अ राइटर मैंने कई सारे गाने लिखे हैं। तो इस तरीके से सिलसिला चालू रहा, लेकिन 2017 में फिर एक दौर आया जब क्योंकि शान के साथ ऑलरेडी मेरे 20-25 गाने हो चुके हैं एज अ कंपोज़र, मैंने उनके लिए काम किया है और उनने मेरे लिए एज अ सिंगर काम किया है। तो 2017 में हमने एक शो किया था इंदौर में, उस शो में एक नई प्रतिभा देखने को मिला, मैं एज अ रैपर उनके साथ स्टेज शेयर किया मैंने। और 2017 से अभी तक जो सिलसिला है कि कंपोज़र के साथ मैं एज अ रैपर भी काम कर रहा हूं और आप लोगों की दुआओं से आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तो शुरुआत ही जब आपका पहला गीत जो आपने स्कूल को लेकर स्कूल चले हम लिखा था तो उस गाने को क्या आपको इतनी मकबूलियत मिलेगी, आपको ऐसी कुछ अनुमान था आपके मन में? सर मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। जस्ट होता है ना कि आपके पास एक रास्ता है, आपको सिर्फ चलना है। मैं चलता गया और चीज़ें होती गई, मतलब मंजिलें मिलती गई। शान से मैंने बात की और सडनली उन्होंने कहा बहुत अच्छा गाना है ये और उन्हें गाने के लिए रेडी हो गए वो। और मैंने नरहरी जी से बात की कि सर ऐसा कुछ लिखा है मैंने, तो उसमें उनने और एड ऑन किया, उनने बहुत अच्छे से उसको लिखा क्योंकि वो बहुत अच्छे राइटर हैं। तो मुझे एक अच्छी चीज़ मिली और ये सफ़र में चीज़ें मिलती गई और सडनली काम हो गया। तो लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि उससे मुझे भविष्य के लिए कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या मैं एज अ कंपोज़र सेट होऊंगा, क्योंकि उसी गाने के बाद मुझे चुना गया स्वच्छ भारत के एक सॉन्ग के लिए। हाँ। क्योंकि हमने एक प्लान किया था इंदौर को नंबर वन बनाने के लिए उस दौरान, तो ये 2016 की ही बात है। और मैंने और नरहरी सर ने मिलकर एक सॉन्ग लिखा हो हल्ला करके, और उस सॉन्ग को जब हमने लिखा हो हल्ला को तो वो सॉन्ग इतना रोमांटिक काइंड ऑफ सॉन्ग था स्वच्छ भारत के लिए। पहली बार किसी इंडिया में किसी कैंपेनिंग सॉन्ग रोमांटिक स्टाइल में आया था। तो मैं डरा हुआ था कि लोग इसको किस नज़रिए से देखेंगे। शुरुआत में कुछ लोगों ने उसको नकार दिया, कुछ लोगों ने उसको पसंद किया, लेकिन वो कुछ ही दिनों में धीरे धीरे करके इतना बड़ा सक्सेस हुआ कि जब इंदौर नंबर वन आया पहली बार तो लोग उसको एक नए रूप से देखने लगे कि उस गाने को भी लोगों ने इतना सराहा। और उसके बाद कंटिन्यू पिछले 3 सालों से इंदौर नंबर वन है और मैं कंटिन्यू स्वच्छता पे काम कर रहा हूँ और सारे गाने मेरे हिट हैं। बिल्कुल सारे गाने आपके हिट हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आगे बढ़ने से पहले हो हल्ला हो जाए। गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, स्वच्छता के दूत बन के हमने कर दी है हल्ला। तो ये गाना था जहाँ एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि इस गाने ने मेरी लाइफ बदल दी और मुझे फील आया कि अब मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बन सकता हूँ। चलिए बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अच्छा, आपने जो बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से जन कल्याण की भावना छुपी हुई है, आपने ऐसे गीतों को कंपोज किया, तैयार किया। स्वच्छता की जब बात चलती है तो स्वच्छता एक बहुत ऐसा अभियान है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अपनी अलग पहचान बना चुका है, भारत का नाम पूरे विश्व में हो चुका है। आपको कितना एक अलग से फीलिंग आती है जब
जब आप इस तरह के गीतों को रचते हैं और स्वच्छता की जो एक मुहिम है वो जन जन तक पहुँचती है? सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं बचपन से ही, मेरे फादर की डेथ हो गई थी और हमने जिस तरीके से सर्वाइव किया, जिस तरीके से मैं आगे बढ़ा हूँ, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ लोगों ने हमें सपोर्ट किया, तो उसी तरीके से मेरे मन में भी वो चीज़ आई कि मुझे भी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो वो एक भावना होती है अवेयरनेस की, लोगों को नई दिशा देने की। तो मेरे पास, क्योंकि पैसे होते नहीं थे, मेरे पास कला थी, तो मैंने अपने कला के माध्यम से लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। और आप देख सकते हैं, ये स्वच्छता के सुर जो कार्यक्रम है, ये हम लोगों ने प्लान किया, और इस कार्यक्रम में हम लोग टोटली निःशुल्क रूप से नए प्रतिभा को मौका देने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जो विनर्स होंगे उनको हम शान के साथ स्टेज शेयर करने का मौका देंगे, साथ में उनको कुछ प्राइज मनी भी दिया जा रहा है, और उसके साथ जो मेरी कंपनी है, म्यूज़िक कंपनी है, उसमें उनको भविष्य की कई सारे संभावनाएँ भी मिलेंगी मेरे थ्रू। तो ये सारा वर्क हम लोग निःशुल्क रूप से कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि मैं पन्ना मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हूँ, तो मध्य प्रदेश को लेके एक फीलिंग रहती है, और मध्य प्रदेश में कई सारे गाने मेरे हिट हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक नई दिशा में मध्य प्रदेश मेरा भी साथ निभाए और मैं भी उनके लिए कुछ करता रहूँ। मध्य प्रदेश में आपने स्वच्छता की एक अलग जगाने का महत्वपूर्ण काम किया है, गीतों के माध्यम से गली गली में आपकी तराने गूंज रहे हैं और लोग उसको गुनगुना भी रहे हैं। कितना एक अलग ही एहसास होता है जब ये लोगों को आप गुनगुनाते देखते हैं और परिवर्तन की एक लहर चल रही है जो स्वच्छता को लेकर। सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक साल पहले मेरे पास सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने लिंक भेजे, और उस लिंक को जब मैंने खोल के देखा, मैं हैरान हो गया। रीज़न है कि जो शादी में संगीत कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में स्वच्छता के गाने में लोग नाच रहे हैं, गर्भों में मेरे गाने यूज़ कर रहे हैं लोग। तो वो गाना, क्योंकि मैंने जो गाने बनाए हैं उसको एक कैंपेन की तरह नहीं बनाया, उसको एक आम जिंदगी में यूज़ आने वाले शब्दों को यूज़ किया है। बहुत बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं डाले मैंने, बहुत सिंपल शब्दों का यूज़ किया है, सिंपल म्यूज़िक का यूज़ किया है, जो लोगों के दिमाग में ईजिली समा जाए। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है। एक हमने मध्य प्रदेश सॉन्ग बनाया जिसमें 5 सिंगरों ने गाया था, तो मुझे लगा कि वो सॉन्ग ओनली बड़े शहरों में चल रहा है। मैं सडनली रिसेंटली अभी मैं अपने शहर पन्ना जाने का मौका मिला, और मैंने पाया कि वो गाना वहाँ पे भी चल रहा है और वहाँ के लोग उस गाने को पसंद कर रहे हैं, और मुझे नहीं मालूम था कि लोग मुझसे, मेरे गाने से इतना कनेक्ट है। तो अभी मैं जिन शहरों में ये स्वच्छता के सुर कार्यक्रम कर रहे हैं, उन शहरों में वो सारे मेरे गाने चल रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं मेरे सॉन्ग। बहुत अच्छी बात है, और आप इसके लिए बधाई के भी पात्र हैं। अच्छा, आपको बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला मध्य प्रदेश में तो मिल ही रहा है लगातार, आपने बाहर आप कुछ अचीवमेंट्स हासिल किए, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मैंने मोर रायपुर करके कैंपेन चलाया था, जिसमें हमने कई सॉन्ग्स बनाए, उसमें जावेद अली और शान ने भी भूमिका निभाई थी। एक रायपुर भाग्य विधाता करके हमने स्मार्ट सिटी के लिए भी काम किया रायपुर में। तो मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में काम किया मैंने, हमने राजस्थान में काम किया, इवन तेलंगाना में मैंने एक, क्योंकि मुझे तेलुगु लैंग्वेज नहीं आती, इसके बाद भी मैंने नरहरी सर के साथ, क्योंकि वो तेलुगु लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, उनके साथ मिलके हम लोगों ने वो जो बुनकर होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा दयनीय हालत देखकर, हम लोगों ने एक सॉन्ग की रचना की, और उस सॉन्ग के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और किस तरीके से उनको सरकार की सपोर्ट की ज़रूरत है और आम भावनाओं की सपोर्ट की ज़रूरत है और लोगों की ज़रूरत है उनको। तो इस तरीके से हमने तेलंगाना के लिए तेलुगु सॉन्ग मैंने बनाया, जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, और उस गाने को सरकारी लोगों ने भी सुना, उसको सुनने के बाद लोगों ने आगे आकर हाथ भी बढ़ाया उन लोगों के लिए। और साथ में तेलुगु में ही हम लोगों ने अदर मुहिम चलाया, जैसे किसानों के लिए अभी काम कर रहा हूँ मैं, और अदर कई सारे जो पॉइंट्स है, इवन हम लोग ने एक चीर हरण करके बेटी बचाओ को लेके एक सॉन्ग किया जिसमें मैंने रैप किया था। अच्छा, मैंने पहली बार एक जो प्राइवेट रैप था मेरा, उसमें हमने बात की है कि जो चीर हरण है उसका मतलब सिर्फ वो साड़ी खींचना नहीं है जो हमारे कृष्ण जी के युग में हुआ था। चीर हरण का मतलब होता है कि जो आज आँखों से भी लोग चीर हरण कर लेते हैं, तो महिलाओं को किस तरीके से गुजरना पड़ रहा है आम जिंदगी में। आप, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और जाहिर है कि उसकी झलक भी हम आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या तैयार किया आपने उस गीत में।
ये गीत बेसिकली कल जो शो होने वाला उस शो में आप मेरी प्रस्तुतिकरण भी देख पाएंगे। उसके दो लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आँखों से बातों से हाथों से क्यों करते हो तुम चीरहरण, शैतान है क्या दिमाग में कुछ तो कहो क्या है कारण, क्यों ख्याल लाते हो ऐसे मुंह दिखाओगे ऊपर कैसे, एक दिन तो चले जाएंगे काम ना आएंगे पहचान और पैसे, बेटियां तो बरदान है रब की गंदी निगाहों से ना देख, कुछ तो इज्जत होगी तेरी नजरों से ना आंखें से, नारी शक्ति नारी लक्ष्मी नारी पूजी जाती है, माँ बहनों की गाली देते शर्म क्यों नहीं आती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शब्दों की रचना भी बहुत सुंदर है सर। तो ये चीरहरण के माध्यम से अभी आप पहली प्रस्तुति भोपाल में देने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको ये कितना सक्सेस, सफलता की पायदान पहुंचेगा ये तराना और लोग कितना समझेंगे इसके भीतर की भावनाओं को? स्वच्छता के सुर जो कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, इस कार्यक्रम को ऑलरेडी हम लोग ने उज्जैन में किया है और ग्वालियर में किया है। हालांकि ग्वालियर में बारिश के कारण हम बहुत अच्छा कार्यक्रम नहीं कर पाए, हमने शिफ्ट करके दूसरे लोकेशन में किया। लेकिन कल ही मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें ये बताया जा रहा है कि जावेद अली के ग्वालियर पहुँचने से, स्वच्छता के सुर कार्यक्रम में पहुँचने से पहली बार ग्वालियर तीसरे पायदान पर आया जहाँ पर उनको पब्लिक फीडबैक मिला। और हमारी पूरी कोशिश यही थी कि पब्लिक फीडबैक के माध्यम से हम लोग लोगों को फ्री एंट्री देंगे और हमने वही किया, लेकिन बारिश के कारण कार्यक्रम ठीक से नहीं हो पाया। बट मुझे खुशी इस बात की है कि स्वच्छता के सुर के कार्यक्रम के कारण भी अगर तीसरे नंबर पे पहुंची है ग्वालियर तो ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है। और अब भोपाल में आप अपना परफॉर्मेंस देने आए हैं तो अब भोपाल से क्या उम्मीद है आपको, क्योंकि अभी भोपाल पाँचवें नंबर पर है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इसकी क्या पोजिशन होने वाली है? सर मुझे लगता है कि क्योंकि मैं पूरे मध्य प्रदेश के लिए कैंपेनिंग कर रहा हूं तो इंदौर वापस नंबर वन आएगा और टॉप फाइव में भोपाल रहने की दावेदारी दिखा रहा है और रहेगा भी। तो मुझे लगता है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि इंदौर नंबर वन हो तो वापस भोपाल नंबर टू पे आए। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जो कल हमारा कार्यक्रम है उसके माध्यम से हम लोग जो सुर लगाएंगे उसमें कई सारे गाने स्वच्छता के होंगे, जिसमें मैं स्वच्छता का रैप भी आपको करता हुआ दिखूंगा और शान उसमें कई सारे स्वच्छता के गाने गाएंगे। और आज जो हम लोग स्वच्छता के सुर ऑडिशन करा रहे हैं इसमें से जो तीन विनर्स निकलेंगे उन विनर्स को हम लोग मौका देंगे स्टेज में आने का और उनको हम भविष्य में कई सारी संभावनाएँ देंगे। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी से कभी मुलाकात का मौका मिला आपको इस अभियान को लेके? एक्चुअली इस अभियान के लिए इंदौर में एक कार्यक्रम हुआ था उस दौरान, लेकिन मैं किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त था तो मुलाकात हो नहीं पाई। बट उनसे अगर हम टीवी में भी मिल लेते तो ऐसा फील आता है कि हमने उनसे मिल लिया है। तो उनके कई सारे ऐसे मुहिम हैं मोदी जी के जो देश हित में और जनहित में हैं, और उनके कई सारे मुहिम पे मैंने भी पर्सनली लोगों को अवेयर करने के लिए काम किया है। जैसे डिजिटल इंडिया को लेकर उनने कैंपेन चलाया था, तो डिजिटल इंडिया के लिए आप यूट्यूब में मेरा एक सॉन्ग भी सुन सकते हैं जो वर्कआउट किया था हमने। फिर उनके कई सारे ऐसे योजनाएं हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आती है, तो उसके लिए मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता हूं कि मुझे कुछ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बट अगर लोगों को अवेयर करना है तो मैं उस पर काम करता हूं। तो इस बातचीत को ख़त्म करें उससे पहले आप हमारे सुनने वालों को और क्या सुनाना चाहते हैं चलते चलते? जो स्वच्छता का एक गीत सुना दीजिए सर। मेरा घर है मेरा मध्य प्रदेश, मेरा घर है मेरा मध्य प्रदेश। थैंक यू सो मच सर। और हमारे श्रोताओं को आप क्या निवेदन करना चाहते हैं, अपील क्या है आपकी खासों से स्वच्छता को लेकर? सर मैं अपने श्रोतागणों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि स्वच्छता की शुरुआत दिल से होनी चाहिए। अगर आप खुद ही स्वच्छता के लिए सोचते हैं तो 100% स्वच्छता को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। इसमें आपको सरकार की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको किसी NGOs की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको मोदी जी की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको अपने दिल की ज़रूरत है। क्योंकि शुरुआत आपको घर से करना होगा, अपने आप से करना होगा। अगर आपने खुद से शुरुआत की तो एक बेहतर शुरुआत होगी। इस बातचीत के लिए ऋषि जी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, हमसे जो आपने इतनी बात की, नमस्कार भोपाल कार्यक्रम के लिए समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।